फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल ऑफ क्रिएटिव माइंड बाय अंजना। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम देखने वाले हैं वो DIY जो मैंने आपसे कहा था मदर्स डे पे कि मैं उससे रिलेटेड DIY आपको लाके दिखाने वाली हूँ सेकंड वीडियो में। तो ये रहा वो वीडियो और इसको मैंने कैसे बनाया है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपको एक बाउल लेना है और कुछ टिश्यू पेपर्स लेने हैं। टिश्यू पेपर्स को आपको लंबे लंबे पतले स्ट्रिप कट कर लेना है। और यहाँ पे टिश्यू पेपर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लिया हुआ है क्योंकि जो आर्ट है उसमें टिश्यू पेपर काफ़ी लगेगा। और उसको बारीक बारीक कट करने के बाद मैंने हॉट वाटर ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने मिठाई का बॉक्स लिया है और मिठाई के बॉक्स का ही बेस लिया हुआ है। और जो आप ये वाइट कलर का पेपर जैसा देख रहे हो वो पेपर नहीं है, कैनवास शीट है। और मेरे पास काफ़ी टाइम से था, जब मैं सिलाई करती थी तो मेरे पास ये उस टाइम मैंने परचेस किया हुआ था। तो गलती से परचेस हो चुका था, बट आज वो गलती काम आ रही है। तो बोलते हैं ना कि रखी हुई चीज़ें कभी या सीखी हुई चीज़ें कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो वही उसी तरह आज मेरी वो सारी स्टोर की हुई चीज़ें आज मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिला के स्प्रेड किया है। और उसके बाद में आपको जहाँ पे आप फेविकॉल लगा रहे हो उसको उल्टा करके ही चिपकाना है, सीधा मत चिपकाइएगा, नहीं तो आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन से आड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो ये टिप्स है, आप उस टिप्स को ध्यान रखिए। और उसके बाद में हम साइड के दोनों साइड के पहले पोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद में अपोजिट साइड के पोर्शन को कवर करेंगे, जिससे आपका जो ये स्टिक करोगे तो वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। और जिस तरह हमारा ये आर्ट बन रहा है, मुझे आप लोग से कुछ बातें करनी थी प्यारी प्यारी। तो मैं इस आर्ट को बनाते वक्त काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और फेस भी की है। तो मैंने सोचा कि आप लोग से वो शेयर भी करूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे DIY में और लेकर आओ आपके पास, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे कैसे आर्ट पसंद है और आपको किस तरह का आर्ट देखना पसंद है, शोकेसेस कैसे चाहिए। यहाँ पे जो मैंने सोक करके रखा हुआ था टिश्यू पेपर, उसको अच्छे से हम लोग उसका पानी निकाल लेंगे। ज़्यादा पानी भी मत निकालिए, बहुत ड्राई हो जाता है। और उसको अच्छे से छुट्टा कर लेंगे। छुट्टा करने के बाद जो मैंने एक्रेलिक कलर लिया हुआ है और फेविकॉल थोड़ा मिला के मिक्सचर बनाया, पानी एज अ रिक्वायर मैं तो कहूँ तो आप मत ही डालना, मुझे काफ़ी ड्राई लग रहा था इसलिए मैंने डाला। क्योंकि पानी डालने के बाद वो काफ़ी स्टिकी स्टिकी हो गया था, वो स्टिक नहीं हो रहा था अच्छे से, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ये आर्ट करते वक्त मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आया, इतना मज़ा आया मतलब मेरे लिए एकदम नया था और मुझे मज़ा भी बहुत आया। लेकिन इस आर्ट को करते वक्त मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी लगी कि हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मटेरियल्स को बचा भी सकते हैं। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ है, कलर, फेविकॉल एंड बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ों को बचा के या कम यूज़ करके भी ये आर्ट बना सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। तो हो सके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये आप लोगों को उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ जो इसका सेकंड मेथड है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। और लेके आने के बाद में मैं आपको बताऊँगी कि उसमें क्या चेंजेस करना है और कैसे हम अपने जो आर्ट मटेरियल्स है उसको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, कम ही मटेरियल में हम अच्छा आर्ट बना सकते हैं। मेरा तो इसमें काफ़ी सारा मटेरियल गया, तो मुझे ऐसा लगा कि हम इसको और भी दूसरे ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं। और वो टिप्स एंड ट्रिक दोनों मेरे पास है, अगर आप चाहते हैं मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँ तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और
मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करते देखने के लिए तो काफ़ी सारे लोग देखते हैं पर कमेंट नहीं करते। आई डोंट नो कि लोगों को कमेंट करना इतना क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप लोगों का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो स्पेशली, अगर आप सब्सक्राइब ना करें तो फिर मज़ा ही नहीं आता। और थम्सअप तो ज़रूरी दीजिए, क्योंकि इतना हम मेहनत करते हैं, आर्ट करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोग जब देखते हैं तो आप लोग के देखने के बाद हमें जो मोटिवेशन मिलता है हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारा आप अपना इतना कीमती वक्त हमें देते हैं। तो इसी तरह हमारा ये DIY कंप्लीट हुआ है और थोड़ा हम इसको हाईलाइट कर देंगे। मैंने यहाँ पे वाइट कलर से थोड़ा बलून्स को हाईलाइट किया है और हमारा क्यूट सा पांडा रेडी हो गया है। और मैंने यहाँ पे इसको एक दिन सूखने दिया और सूखने के बाद ही मैंने इस पर वर्निश किया है। वर्निश करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका आर्ट है ना वो काफ़ी सालों तक चलता है और उसमें किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगते। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।